इसके ऊपर मुझे ये जो क्रीम की गार्निश है ना वो की जा रही है। और ज़िया भाई का कहना है इस तरह के गोलगप्पे आपको पूरे गुजरांवाला में कहीं से भी गोलगप्पे इस तरह के नहीं मिलेंगे। अच्छा, अभी इसके ऊपर आने लगी आलू बुखारे की चटनी, उसके बाद आने लगी है इसके ऊपर क्रीम, ये इसके ऊपर आ रही है बंद गोभी, अब उसके ऊपर फ्रेश पुदीना जो है ना वो रखा जाएगा, और उसके बाद ये आगे सलाद पत्ता, उसके बाद ये चिकंदर आने लगा है, चिकंदर कटा हुआ। इस दफ़ा ये जो है ना इन्होंने अनार जो है वो ऐड किया है। अब इसके ऊपर आने लगा है जी मेन चीज़ पाइनएप्पल, उसके ऊपर मुझे ये जो क्रीम की गार्निश है ना वो की जा रही है। ये नहीं होता कि देखने में सिर्फ अच्छी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार गोलगप्पे होते हैं, और मैं आपको खा के दिखाता हूँ, मेरे मुँह से गिनने तो है मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान, आप देख रहे हैं वीडियो भी तो फ्रेंड्स इसमें मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं हाफज जी शाही गोलगप्पे वालों के पास, और ये वही हैं जिनके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ आलमोस्ट चंद महीने पहले या साल पहले आलमोस्ट मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। और इनके जो गोलगप्पे हैं ना गुजरांवाला में इस तरह के गोलगप्पे कहीं से भी नहीं आपको मिलेंगे, इनका भी कहना है और मेरा ख्याल भी है, ठीक है, इनके काफ़ी अच्छे गोलगप्पे होते हैं। तो आज देखेंगे कि आजकल क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, लास्ट वीडियो में इन्होंने आड़ू डाले हुए थे, आज देखते हैं कि क्या डालते हैं। इसके अलावा इन्होंने चाय का भी सेटअप शुरू किया और शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने माइक भी हाथ में पड़ा था कि नॉइस कैंसलेशन हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इनका चाय का सेटअप और इसके अलावा इनके गोलगप्पे। जी तो फ्रेंड्स जी आप देख सकते हैं आपके सामने हैं हाफज जी शाही गोलगप्पे, ठीक है, ये ज़िया भाई होते हैं यहाँ पर, इस किस्म का इनका जो फ्लैक्स वगैरह ना वो लगा हुआ है, सेटअप है। बाकी मज़ीद कुछ डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, शादी वगैरह के लिए भी आप इनको बुला सकते हैं, और एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो भी मैंशनड है, ठीक है। गोंदावाला अड्डा नर्स निराला होटल जीटी रोड गुजरांवाला, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इन्होंने अब जो चाय है ना अपनी वो लगाई है, सर्दी में आपको पता है जो चाय है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है, ठीक है। ये है तो गोलगप्पों के सेटअप है, ये होते हैं यहाँ पे ज़िया भाई। लोकेशन के बारे में आपको पहले बताता चलूँ, ये आपके सामने है सहूलत का और बोस का सेंटर है, और सबसे मशहूर निराला होटल जो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान जानता है जिसको, ठीक है। गुजरांवाला में ये जो होटल है ना एक तो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी कमाल के इनके खाने होते हैं, उनके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे ये जो है गोंदावाला अड्डा है, यहाँ पे साथ ही गोंदावाला फाटक भी कहते हैं, कोई लोग चौक भी कहते हैं, अड्डा भी कहते हैं। तो ये होते हैं ज़िया भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ जी अल्लाह का शुक्र। तो ये देखें गोलगप्पे होते हैं, ज़िया भाई ज़रा दिखाइएगा। जी तो आप देख सकते हैं अभी ज़िया भाई जो है ना चाट तैयार कर रहे हैं, ज़िया भाई दिखाइएगा ज़रा। अच्छा ये अभी इसके ऊपर सैलड भी ज़िया भाई ने काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, और उसके बाद नीचे जो आलू और जो चने हैं ना वो नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मसाला डाल रहे हैं, ज़िया भाई सादे भी किसी ने लेने वो भी मिल जाएंगे ना? जी मिल जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें मसाला जो है डाला जा रहा है, रेगुलर जो इसकी जो रेसिपी है वो तैयार की जाएगी। जी तो फ्रेंड्स अब जो गोलगप्पे हैं ना वो फिल किए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखें ज़रा इसमें जो भराई शराई है ना वो की जा रही है। तो ये सारे भाई तैयार कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं और क्या क्या कुछ डालते हैं। अच्छा अब इसके ऊपर आने लगी आलू बुखारे की चटनी, ऑनेस्टली ये जो चटनी है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चटनी होती है, और समझ लें कि जो टेस्ट है ना इसमें इस चटनी का बहुत अहम किरदार होता है। इसका अगर टेस्ट अच्छा ना होता तो शायद गोलगप्पू का भी टेस्ट इतना अच्छा ना होता, ठीक है। ये आलू बुखारे की चटनी होती है, ठीक है, आलू बुखारे की है। उसके बाद आने लगी है इसके ऊपर क्रीम, ठीक है, क्योंकि ये शाही गोलगप्पे हैं तो क्रीम के बगैर और पाइनएप्पल के बगैर स्पेशली जो गोलगप्पे हैं आपको पता नहीं तैयार होते, तो क्रीम आ गई इसके ऊपर ढेर सारी। बंद गोभी जो है ना वो आने लगी है, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फ्रेश पाइने बंद गोभी जो है ना वो रखी होती है, इसके ऊपर आ रही है बंद गोभी, ठीक है। पूरी प्लेट के ऊपर जिस तरह प्लेट तैयार करते हैं ना उस तरह से भाई बंद को भी इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब उसके ऊपर फ्रेश पुदीना जो है ना वो रखा जाएगा, मतलब पूरे जो हाजमेदार जो गोलगप्पे हैं ना वो तैयार होंगे ये। और उसके बाद ये आगे सलाद पत्ता, ठीक है, इसको भी कट किया हुआ है भाई ने बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद ये चिकंदर आने लगा है, चिकंदर कटा हुआ है, और हर चीज़ माशाल्लाह देखें साफ़ सुथरी आपको जो चीज़ है ना वो मिलेगी। उसके बाद ये टमाटर के पीस आ गए। अच्छा मौसम के हिसाब से इनके पास फ्रूट होते हैं, तो पिछले दफ़ा मैंने ये वीडियो बनाई थी ना तब इनके पास आड़ू था, इस दफ़ा ये जो है ना इन्होंने अनार जो है वो ऐड किया है, और फाइनली अब इसके ऊपर आने लगा है जी मेन चीज़ पाइनएप्पल, और अब ये जो प्लेट है ना वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। और अब इसके ऊपर मुझे ये जो क्रीम की गार्निश है ना वो की जा रही है। और ज़िया भाई का कहना है इस तरह के गोलगप्पे आपको पूरे गुजरांवाला में कहीं से भी गोलगप्पे इस तरह के नहीं मिलेंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ कि गुजरात में जो गोलगप्पे हैं ना वो भाई के मामू लगते हैं, ठीक है, और ये वही चीज़ है बिल्कुल, तो पहले भी खाए हुए हैं, अभी भी आपको टेस्ट करके बताते हैं। अच्छा मज़े की बात तो ये दूसरी बार गाड़ कर मैं दो गोलगप्पे खा चुका हूँ। अच्छा ये आप देख सकते हैं गोलगप्पे आ चुके हैं और काफ़ी कमाल किस्म के हैं ये, इसमें सारी चीज़ें जो है ना उनका सेपरेटली अगर आप खाएंगे तो उनका अलग-अलग अपना अपना टेस्ट आएगा। अब मैं ये गोलगप्पा पकड़ रहा हूँ, इसके ऊपर अगर चुकंदर डालेंगे तो और टेस्ट आएगा, इसके ऊपर अगर आप सलाद पत्ता डालेंगे और टेस्ट आएगा, पुदीने का और टेस्ट आएगा, अनार का और टेस्ट आएगा। कोशिश करते हैं सारा कुछ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल लेते हैं, बाकी फुल क्रीमी गोलगप्पे होते हैं ये, ठीक है। अनार में कोशिश कर रहा हूँ एक आधा पीस आ जाए। ये चीज़ तैयार हो चुकी है, ठीक है, और ये नहीं होता कि देखने में सिर्फ अच्छी हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार गोलगप्पे होते हैं,
मैं आपको खा के दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा समेट लूँ पहले, मेरे मुँह से गिनने तो है मुझे पता है। अच्छा ये खाए ऐसे जाते हैं ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मज़ा आ गया। इसमें जो क्रीम का टेस्ट है और इसके अलावा जो इसमें मीठी चटनी है ना, इसका जो टेस्ट है ना इसका लेवल है। उसके अलावा जो सारी सैलड वगैरह मुंह में आती है उसका तो है ही है। खट्टा टेस्ट कर लेते हैं, खट्टा आप देख सकते हैं, खट्टा भी इनका इंतहा मज़े का होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुए हुए आउट क्लास है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपके गुजरांवाला में कोई लेवल के गोलगप्पे खाने का दिल कर रहे ना, साथ आपको सलाद फ्री में मिलेगी, मतलब जाहिर है उसकी कॉस्ट तो है ही, मतलब वो उसका अपना लेवल है, गोलगप्पों का अपना लेवल है, तो यहाँ पे आके आप खा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।